अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रई जाहिद और आप ही हमारी वीडियो देख रहे हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। अच्छा जी, आज हम बात करने वाले हैं रईस मार्केटिंग से ज़रा हटके, अपना जो हमारा एक दूसरा बिजनेस है रईस कैटल फार्म का, उसके वाले से आपको बताने वाले हैं। क्योंकि जैसे ही छोटी ईद ख़त्म होती है और बड़ी ईद आने वाली होती है, तो हर किसी की जो फिक्र होती है वो कुर्बानी के जानवर के हवाले से ही शुरू हो जाती है कि क्या प्लान करना है और कहाँ से ख़रीदारी करनी है। तो ऐसे में मेरे फादर काफ़ी अच्छे से तकरीबन कोई 20-25 साल से कैटल फार्मिंग का बिज़नेस कर रहे हैं। तो हमारा हर साल कुर्बानी के जानवर जो होते हैं वो कराची लाए जाते हैं। वैसे हमारा कैटल फार्म जो है रहीम खान पंजाब में है, लेकिन बकरा ईद से पहले यहाँ पे आते हैं और हम पिछले कोई 3-4 साल से अपने इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में भी इसकी प्रॉपर मार्केटिंग कर रहे होते हैं। तो हमारे साथ आप में से भी काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं जो हर साल हमसे ख़रीदारी भी करते हैं और बड़ी बेसब्री से इंतज़ार भी कर रहे होते हैं। और रिसेंटली मैंने कुछ अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाए थे अपने कैटल फार्म के हवाले से और काफ़ी चीज़ें बताई थी, तो उनमें से बहुत सारे लोग बड़ा वेट भी कर रहे हैं कि इस साल जो कराची शहर में कौन सी कराची शहर की कौन सी मंडी में हमारे कुर्बानी के जानवर आने वाले हैं। तो हम खुद पहले वर्किंग कर रहे थे कि ज़रा आपके लिए कहाँ आसानी हो सकती है और कौन सी अच्छी जगह बेहतर मिल सकती है। आपको पता है कि इससे पहले सुराब गोट में मंडी लगती रही है पिछले साल, लेकिन पिछले साल जब प्लान चेंज हुआ, सोराब गोट की मंडी नॉर्दर्न बाईपास पे शिफ्ट हुई, तो बहुत सारे लोगों के लिए सिक्योरिटी थ्रेट से और वहाँ जाना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। तो शहर के अंदर भी बहुत सारी मंडियाँ अलाउ हो गई थी। तो हमारे पास पिछले साल जो आपको पता है कहाँ कहाँ हमारे जानवर लगे रहे और बड़ा बेहतरीन रिस्पॉन्स भी आया, लेकिन इस दफ़ा हम प्लान कर रहे थे कि कोई अच्छी जगह हमें मिल जाए जहाँ पे हम ऐसी जगह जहाँ पे लोगों का आना जाना भी अच्छा हो, लोगों को आसानी भी हो और शहर के बीचों बीच भी कोई जगह मिले। तो इस दफ़ा भी अगर मैं बताऊँ तो काफ़ी जगहों पे इश्यूज चल रहे हैं एनओसीज के हवाले से। बहुत सारी जगहों पे किसी दो दो पार्टियों को एनओसी मिल गए हैं, तो किसी जगह पे अभी तक अलाउ ही नहीं हुआ है। तो हम भी ज़रा वर्किंग कर रहे थे। तो खैर, अब आपके लिए खुशखबरी यह है कि हमने एक जगह फाइनल कर ली है, उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको मैं दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि रईस कैटल फार्म के जो हमारे कुर्बानी के जानवर होते हैं, बछड़ियाँ होती हैं या बछड़े होते हैं, तो उनमें से ज़्यादातर बछड़ियाँ वैसे इस दफ़ा, तो वो उनकी हम जो पलाई होती है वो कैसे करते हैं और किस तरीके से उनकी जो फीड है, खुराक है और किस तरीके का माहौल उनको दिया जाता है वो आपको बताना चाहूँगा। क्योंकि प्रॉपर ऑर्गेनिक माहौल उनको प्रोवाइड किया जाता है, प्रॉपर गांव का माहौल है, अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीनें अपनी हैं तो चारा भी अपना हो जाता है, पानी मीठा होता है अंडरग्राउंड और प्रॉपर उनका ख्याल रखा जाता है। वेटरनरी डॉक्टर भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने ही हैं, तो वो भी उनको हर हफ्ते की बेस पे आके एक एक जानवर को चेक भी कर रहे होते हैं और उनको जितनी भी रिक्वायर्ड वैक्सीनेशन होती है या जितनी भी उनके लिए चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, वो मेरे फादर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह काफ़ी इस चीज़ के एक्सपर्ट हो गए हैं, तो वो एक हर एक एक चीज़ चीज़ का और एक ख्याल रख रहे होते हैं। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इस टाइम कराची शहर में ये कब आने वाले हैं और किस जगह पे आने वाले हैं। तो अगर मैं आपको लोकेशन बताऊं, तो अगर आप मेन शराय फैसल से कुरंगी रोड की तरफ मुड़ते हैं तो बिल्कुल कोई शुरू में ही आधे किलोमीटर के बाद राइट राइट हैंड पे CSD एक जगह है शॉपिंग की और शॉप्स वगैरह हैं काफ़ी ज़्यादा। और बराबर में अगर मैं बात करूँ तो बहरिया के अपार्टमेंट्स भी हैं, इसके बराबर में ही एक ग्राउंड पड़ा हुआ है। पिछले साल भी यहाँ पे मवेशी मंडी लगी है और इस साल भी काला पुल के बराबर में ये जगह है। इसकी पिन लोकेशन भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल यहाँ जाएगी। पे आप आके विजिट कर सकते हैं हमारे कैटल फार्म पे। बहुत जल्द इंशाल्लाह जानवर भी आ जाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं आए। इंशाल्लाह 1 जून से यहाँ पे आपको रईस कैटल फार्म के जानवर जो हैं वो यहाँ पे अवेलेबल होंगे और आपको यहाँ पे मौजूद होंगे। उस टाइम पे भी हम आपको अपडेट दे देंगे, लेकिन एक प्राइमरी ये आपको इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे थे कि बहुत सारे लोग हमारे हमारे दोस्त जो वेट कर रहे थे उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि बहुत जल्द इंशाल्लाह इस लोकेशन के ऊपर, जो लोकेशन आपको बताई है, यहाँ पे हमारे कुर्बानी के जानवर आ जाएंगे, तो आप यहाँ से आके खरीदारी कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत जानवर हैं, सेहतमंद हैं और बड़ी बेहतरीन ब्रीड के भी हैं। तो जब जब ये जानवर आ जाएंगे तो आपको इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि इस दफ़ा उन जानवरों की वीडियोस भी दिखाएं और एक एक जानवर करके भी अगर हम बना सकें उनकी खसूसियात के साथ, उनके रंग के साथ, उनके वजन के साथ, उनके उनकी प्राइस के साथ, तो वो भी इंशाल्लाह बनाएंगे। क्योंकि लास्ट टाइम हमें काफ़ी हमारे ओवरसीज क्लाइंट जो उन्होंने भी अप्रोच किया था, वो चाह रहे थे कि डायरेक्टली वो वहाँ से बैठ के ख़रीदारी कर लें और हम जो कुर्बानी का जानवर है उनके घर पे डिलीवर कर दें। तो पिछले साल कुछ चीज़ें हम नहीं बना पाए थे इस तरीके से, लेकिन इस दफ़ा हम प्लान कर रहे हैं कि उनको भी हम प्रॉपर फैसिलिटेट करेंगे और वीडियो के थ्रू एक एक जानवर या जो हमारे अच्छी नस्ल के जानवर होंगे उनमें से जो सबसे बेहतरीन होंगे या जो जो रिक्वायरमेंट्स होंगे हमारे क्लाइंट्स की, तो वो भी इंशाल्लाह हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। क्योंकि ये अगले 15-20 दिन जो है वो सबसे ज़्यादा जो टेंशन होगी या सबसे ज़्यादा जो लोगों की रिक्वायरमेंट होगी वो यही होगी कि कुर्बानी का जानवर अच्छा से अच्छा मिल जाए और सेहतमंद हो और बेहतरीन उसकी पलाई हुई हुई हो और खुराक जो हो उसकी सबसे बेहतरीन हो। तो वो इंशाल्लाह आपको रईस कैटल फार्म पे अगर आप आएंगे तो ऐसा जानवर आपको मिलेगा
जो बेहतरीन आपको ये एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड करेगा कुर्बानी का। अब बाकी जो जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी हमारे कुर्बानी के जानवर नहीं आए, इंशाल्लाह 1 जून 2 जून से आ जाएंगे, तब इंशाल्लाह आप खरीदारी के लिए आ भी सकते हैं। और अगर आपको मजीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नंबर दिया हुआ है, रब्ता करें। थैंक यू सो मच।